क्वेश्चन नंबर एक, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? ऑप्शन ए ब्रज भाषा, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी डोंगरी, ऑप्शन डी भोजपुरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डोंगरी। क्वेश्चन नंबर दो, इनमें से कौन सी एक प्रकार की बीमारी है जो विटामिन ए की कमी से होती है? ऑप्शन ए यूनिंग ग्लोरी, ऑप्शन बी टेनिस एल्बो, ऑप्शन सी आफ्टरनून डिलाइट, ऑप्शन डी नाइट ब्लाइंडनेस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नाइट ब्लाइंडनेस। क्वेश्चन नंबर तीन, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना किस स्वतंत्रता सेनानी ने की है? ऑप्शन ए पंडित गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन बी डॉक्टर विधान चंद्र राय, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर चार, किस शहर का नाम बदलकर गुरुग्राम रख दिया गया है? ऑप्शन ए गुड़गांव, ऑप्शन बी गंगानगर, ऑप्शन सी गुवाहाटी, ऑप्शन डी गंगटोक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गुड़गांव। क्वेश्चन नंबर पाँच, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी मद्रास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मुंबई। क्वेश्चन नंबर छः, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? ऑप्शन ए 1917 में, ऑप्शन बी 1915 में, ऑप्शन सी 1916 में, ऑप्शन डी 1925 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1916 में।